राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाई गई विशेष अनुदान योजनाओं, ग्राम खनिज नीव योजना एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी योजनाओं के माध्यम से ग्राम सड़कों, सीवरेज एवं अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ऐसा पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार इन्होंने कहा। कामठी तालुका के विविध गाँवों के 5,50,00,000 निधि में से होने वाले विकास कार्यों का मंत्री केदार द्वारा भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वह बोल रहे थे। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, उपाध्यक्ष सुमिता कुंभारे, समाज कल्याण अध्यक्ष नेमावली माटे, जिला परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाले, सरपंच वनिता इंगोले, अनुमंडल पदाधिकारी श्याम मनूरकर सहित अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे। विशेष अनुदान योजना अंतर्गत बिड़गांव, जीजामाता नगर, आराधना नगर 30,00,000 की निधि से सड़कों का निर्माण, तरोड़ी में जिला परिषद विद्यालय के कक्षाओं का निर्माण, जिला खनिज प्रतिष्ठापन योजना अंतर्गत 16,17,000 की निधि से जल शुद्धिकरण संयंत्र और विद्यालय के कक्षाओं का लोकार्पण, 36,00,000 रुपयों में से टेमसाना जल शुद्धिकरण केंद्र, भक्त निवास, आंगनबाड़ी बांधकाम, केम के जल शुद्धिकरण केंद्र, जिला परिषद कक्षाएं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना अंतर्गत 60,00,000 रुपयों की निधि से शिवनी व चिखली के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि के भूमि पूजन व लोकार्पण इस समय हुआ। इस तरह 30,00,000 रुपए के फंड से भूगांव में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 10,00,000 रुपए के निधि से नान्हा मांगली के कवर्क तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत यात्री निवास, जाखे गांव में यात्री आवास के लिए 10,00,000 का फंड, असलवाड़ा गांव में जल शोधन केंद्र व कक्षाओं के लिए 16,17,000 का फंड, अंबाड़ी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 25,00,000 की निधि से वेयर हाउस, सामूहिक प्रशिक्षण केंद्र और 37,00,000 रुपए की निधि से वडोदरा में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, माता बाल संगोपन उपकेंद्र व कक्षाओं आदि का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। मजबूत सड़क नेटवर्क के निर्माण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचागत कार्य पूरे किए जा रहे हैं, कई नए काम शुरू किए गए हैं। इन सभी कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, वे गुणवत्ता पूर्वक होने चाहिए। अच्छी सड़क निर्माण से विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए पेयजल टंकियों की सफाई, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति और आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण जैसे महत्वपूर्ण उपायों को प्राथमिकता दी जाए। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।